हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ। स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट रिवीजन। स्टूडेंट, आज हम यूनिट फर्स्ट का जो रिवीजन है उसका क्वेश्चन नंबर वन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको इसे ध्यानपूर्वक समझ लेना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेप न्यूमरल्स। स्टूडेंट, ये नंबर नेम दिए गए हैं आपको, इनके लिए आपको न्यूमरल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन ए वाले क्वेश्चन को जो है जी इसे पढ़ेंगे। 9857। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखिए लास्ट प्लेस वैल्यू क्या है। स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो इन सभी में ए बी सी डी, इन सभी में लास्ट प्लेस वैल्यू जो होती है वो है 1000। ओके स्टूडेंट, देखो 1000, 1000, 9000, 7000, 5500 और जी 4000, ऐसे है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी नंबर नेम को न्यूमरल में लिखते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें वन स्टैंड डालना होता है। ओके स्टूडेंट, वन स्टैंड आपसे आते हैं, तो सबसे पहले जी वन स्टैंड लिखेंगे यहाँ पे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपने वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड लिख लिया, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो लास्ट की प्लेस है वो हमारी थाउजेंड है। ठीक है जी, अब हमें इन्हें कैसे करना है देखिए। अब आप यहाँ पे रीड कीजिए, 9000 है तो आप यहां देखेंगे 1000 कहां पे लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है तो ये 9000 है, तो स्टूडेंट इस 1000 के नीचे आप यहां पे 9 लिखेंगे ऐसे। ठीक है जी, अब आप इसे रीड करके देखिए इतने कोई। तो पहले तो हम जो भी हमारा डिजिट होती है उसे रीड करते हैं, आफ्टर देन उसकी प्लेस को रीड करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हमने 9, अरे अब इसकी प्लेस क्या आया जी 1000, तो 9000 पढ़ा गया है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है 9000। ठीक है ना, जैसा यहाँ लिखा जा रहा है ऐसे ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो आप जो लिख रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है ना। अगर इन दोनों में कहीं भी मिसिंग है, एक जैसा नहीं आप रीड कर पा रहे, तो आप सोच लीजिए गलत है। ठीक है, तो 9000 कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट लिखा हुआ है आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है 800 लिखा हुआ है, 100 कहाँ पे है, ये रहा जी आपका 100, H फॉर 100। तो H जो H प्लेस है इसके नीचे डाउन में हम लिख देंगे 8। ओके स्टूडेंट, तो ये 800 हो गया। अब लास्ट में क्या है जी 57, तो 50 10 प्लेस पाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 50 और लास्ट में वंस के नीचे लिख दिया 7। ओके, अब आप इसे रीड करके देख सकते हैं, 9857। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ भी देख लीजिए 9857, दोनों इक्वल है, तो हमारा ये जो न्यूमरल है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार हम बी वाला भी करेंगे। देखिए 7000 है, सेम जैसा हमने पहले किया है ऐसे हम इसमें करेंगे। 7000 है तो ये 1000 लिख रहा, तो हम इसके नीचे 7 लिखेंगे जी। 400 है और 100 के नीचे 4 लिख देंगे, तो 7465। ये होगा जी और 5 ये होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे रीड कर लीजिए, 7000, 7000, 400, 400,
सिक्सटी अर्जी फाइव, ये रहा। ओके, है ना, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अब सी वाला क्वेश्चन है जी, 500। देखो स्टूडेंट, इसमें 500 लिखा है, इसमें 1000 नहीं है, तो हम 1000 के नीचे नहीं लिखेंगे। जो प्लेस बोली जाती है उसी के नीचे डिजिट को लिखा जाता है। तो ये 500 है, तो 100 आपका कहाँ है, ये रहा। तो आप 100 के नीचे आप 5 लिखेंगे, 500 हो गया। अब स्टूडेंट है सेविंग, अगर लास्ट में हम सिंगल डिजिट आ रही है स्टूडेंट, तो हमें हम उसे सदा वंश के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो सेविंग है तो हम इसे वंश पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 10 नहीं आया। अगर डबल डिजिट हो जाती 10, 12, 35, 98, तो एक 10 प्लेस पे आ जाती है और जो सिंगल डिजिट होती है वो वंश के नीचे आती। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, 500 के नीचे 5 आ गया और 7 है, 7 वंश के नीचे आ गया, 10 डिजिट नहीं, 10 जो प्लेस है वो नहीं रीड हुआ, बोला नहीं गया, आया ही नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर आप इसे वंश 10 ना डालें, अगर आप इसे लिखने के लिए वंश 10 ना डालें, तो कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं 507 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट, ऐसे लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है वे 10 प्लेस को छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं और यही मिस्टेक करते हैं बार बार, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी डिजिट किसी नंबर को नंबर नेम में लिखे, किसी नंबर को इसमें लिखे न्यूमरल में, तो स्टूडेंट हमेशा उसे वंश 10 डाल के ही लिखना चाहिए। अब डी वाला क्वेश्चन है जी, 4000। तो स्टूडेंट इसमें 1000 के नीचे 4 आ जाएगा, 4200, 100 कहाँ है जी, ये रहा। तो 200 30 यानी कि 10 प्लेस है, 32। स्टूडेंट एक बार रीड करके जरूर देखें, मैच करके, 4000, 200, 32। ओके स्टूडेंट, अगर आप किसी भी नंबर नेम को न्यूमरल में लिखेंगे तो उस पर वंश 10 डाल के ही लिखें, तो आपकी भूल से भी गलती नहीं होगी। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट, आपकी बुक में ये सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, आपकी बुक में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप इस सारे कार्य को एक नई नोटबुक बना सकते हैं, उसमें आप इन्हें लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड। स्टूडेंट अब क्या है, अब जस्ट इसका अपोजिट है, हमें नंबर नेम दिए थे न्यूमरल लिखवा रहा था, अब हमें क्या है, अब हमें न्यूमरल दे दिए तो नंबर नेम लिखवा रहा है ना। नंबर नेम क्या होता है, वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स। ओके, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे पास ये न्यूमरल है इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, यानी कि नंबर नेम में लिखना है। ओके स्टूडेंट, इन्हें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पे वंश 10 डालेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ओके स्टूडेंट, जो प्रक्रिया हमने पहले क्वेश्चन में की थी स्टूडेंट, उसके जस्ट अपोजिट करना है, उल्टा करना है एकदम, ठीक है जी। अब हमें कैसे लिखना है ना, देखिए अब पहले डिजिट क्या है, देखिए स्टूडेंट हम आपको एक बात बताते हैं, जो वंस टेंस होता है उनका एक पेयर बना लीजिए आप, वंस टेंस का, ठीक है। और 100 हमेशा याद रखिए अकेला रहेगा, 100 का कभी भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इधर 10,000 भी होता तो उसका पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ 1000 है तो ये भी अकेला ही रहेगा 5।
ओके स्टूडेंट, जो पेयर बनते हैं वो वंस टेंस के पेयर बनते हैं, हंड्रेड हमेशा अकेला रहेगा, थाउजेंड थाउजेंड के पेयर बनेंगे, लैख लैख के ओके स्टूडेंट, और करोड़ करोड़ के पेयर बनेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होनेगा कि भाई एक लैख का और एक करोड़ का पेयर बन जाए, ऐसा नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इनके ऐसे पेयर बना लीजिए, पहले वंस टेंस का पेयर बनाइए, हंड्रेड को हमेशा अकेला रखिए, और अगर इधर डबल डिजिट है तो उसका पेयर हो जाएगा, अदरवाइज वो अकेला रहेगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या डिजिट है, फाइव है, तो आप यहाँ पे फाइव लिखेंगे क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, एफ आई वी ई फाइव। अब फाइव की प्लेस क्या है जी, फाइव की प्लेस है थाउजेंड। तो स्टूडेंट अब यहाँ पहले डिजिट लिखेंगे फिर उसकी प्लेस लिखेंगे, तो अब यहाँ पे इसकी प्लेस लिखेंगे थाउजेंड, टी एच ओ है जी, यू एस एस ए एन डी एन थाउजेंड। स्टूडेंट कुछ जो स्टूडेंट हो वीक होते हैं तो वो थाउजेंड की स्पेलिंग उन्हें थोड़ी सी हार्ड लगती है और उनसे याद नहीं हो पाती, इसके लिए अगर आप इसे तीन टुकड़ों में तोड़ लें, तीन भागों में विभाजित कर लें और छोटी छोटी स्पेलिंग याद करें तो आपको अच्छी तरह याद हो सकती है। अगर आप इसे ऐसे याद करें, टी एच ओ थो यू एस एस ए एन डी एंड, एंड की स्पेलिंग सबके याद होती है और एस की भी स्पेलिंग सबके याद होती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन थो की थोड़ी सी याद करनी होगी आपको, बस टी एच ओ बस माइंड में रखो कि भाई थो अस एंड एक साथ लिखना है तो थाउजेंड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो जी फाइव थाउजेंड हो गया। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, फोर, तो अब हम यहाँ पे फोर लिखेंगे, एफ ओ यू आर, और फोर की प्लेस क्या है जी, हंड्रेड, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपसे ये स्पेलिंग ही आनी चाहिए हंड्रेड की, थाउजेंड की, तो ये अगर आपसे याद है तभी आप इन्हें लिख पाएंगे, अगर अदरवाइज आपके याद नहीं है तो आप इन्हें लिख नहीं सकते। तो स्टूडेंट इतना हो गया हमारा। अब हमारे क्या है ना, इस हम पेयर में लिखेंगे, ये क्या है 98 है स्टूडेंट, तो आप पहले क्या लिखेंगे, नाइन की स्पेलिंग लिखिए, एन आई एन ई नाइन। ओके स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 90 की स्पेलिंग लिखने के लिए वो ई छोड़ देते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो ई नहीं लिखते और सब लिखेंगे, तो इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि आप पहले नाइन की स्पेलिंग लिखिए और नाइन की स्पेलिंग लिखने के बाद में फिर इसमें टी वाई ऐड कर दीजिए, यानी कि टी वाई और लिख दीजिए तो 90 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ई मिस नहीं होने का, अगर आप पहले नाइन की स्पेलिंग लिखेंगे तो 90 और लास्ट में क्या है जी, वंस पे 8 ई आई जी एच टी 8। ओके स्टूडेंट, तो अब बी वाला देख लेते हैं जी, ये भी सेम इसी प्रकार होगा। अब इनके भी पेयर बना लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, अब शुरू में क्या है जी, 4, पहली डिजिट क्या है आपकी, 4 एफ ओ यू आर 4। 4 की प्लेस क्या है स्टूडेंट, देखिए ये 1000 है, या आप हर बार भी प्लेस डाल सकते हैं इन पे, हमने तो एक बार डाल दी और उन्हीं के नीचे लिख लिया स्टूडेंट। अगर आपका ऐसे नहीं आ रहा है, आप अगले पेज पर करना चाह रहे हैं या अदर बराबर में करना चाह रहे हैं, तो आप वो स्टेंस दोबारा डाल सकते हैं, ठीक है जी। 4000 टी एच ओ यू एस ए एन डी 4000। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है जी, 9 एन आई एन ई 9, और 9 की प्लेस क्या है जी, 100 एच यू एन डी आर ई डी 900। अब लास्ट में क्या है जी, 50। देखिए टेंस बोला गया है, वंस नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ 50 है तो वंस पे 0 आ जाएगी, एफ आई एफ टी वाई
50। ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं दोबारा। देखिए 4000 है, 4000 है, 900 है, 900 है, 50 है, 50 है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप इन्हें मैच कर सकते हैं, अगर कहीं गलती होगी तो वो निकल जाएगी। ठीक है, अब फिर सी वाला, इनके भी पेयर बना लीजिए स्टूडेंट। 8 है तो पहले 8 लिखेंगे, ई आई जी एच टी, ई आई जी एच टी, 8000, टी एच ओ यू एस ए एन डी, 8000, 700। देखो 7 नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है, तो हम यहां 7 लिखेंगे, एस ई वी ई एन, 700। देखो 7 की जो प्लेस है वो 100 है ना, 700, एच यू एन डी आर ई डी, 700। ओके स्टूडेंट, अब देखिए टेंस पे 0 है तो इसे नहीं लिखेंगे, तो 3 बोला जाएगा, 0 को रीड नहीं करने के। ठीक है जी, तो हम यहां लास्ट में लिखेंगे 3, टी एच आर डबल ई। ओके स्टूडेंट, और बाद में फुल स्टॉप भी लगाएंगे, और शुरू के जो लेटर होंगे स्टूडेंट में सब कैपिटल होंगे, और बीच में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, फिर डी वाला देख लीजिए, इसके भी पेयर बना लीजिए स्टूडेंट। तो 6 है पहली डिजिट, तो 6 लिखेंगे, एस आई एक्स, 6, और 6 की प्लेस क्या है जी, 1000, टी एच ओ यू एस ए एन डी, 1000, तो 6000। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट हमारी है 0, और 0 की प्लेस क्या है, 100, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब लास्ट में क्या है, 18, तो 18 की स्प्रिंग लिखेंगे, 18 की स्प्रिंग लिखने के लिए पहले हम 8 की स्प्रिंग लिख लेते हैं स्टूडेंट, ई आई जी एच टी, 8। ओके, अब इसमें डबल ई एन और लगा देंगे, डबल ई एन, तो 18 हो जाएगा। अगर आप ऐसे टुकड़े में तोड़ के स्प्रिंग लिख लेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करने के। ओके स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छी से कैच कर सकते हैं, कैचिंग पावर जिनकी अच्छी होती है, उनके तो लिए प्रॉब्लम कोई भी नहीं है स्टूडेंट। लेकिन जो थोड़े से वीक है, अगर वे इस प्रकार याद करें तो वे भी जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। ओके जी, अब है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन ब्लैंक्स। स्टूडेंट खाली स्थान भरिए, खाली स्थान को पूरा करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है जी, कम जस्ट बिफोर है जी, कम्स माने आता है, जस्ट माने एकदम, बिफोर माने पहले, 8000 से जस्ट पहले क्या आता है। ओके स्टूडेंट, देखिए ऐसे है जैसे कोई आपसे पूछे 5 से जस्ट पहले क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 4। तो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है इनमें माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 लिखा है हमने। तो स्टूडेंट आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे आप इन्हें रफ कॉपी में करके देख सकते हैं, ये हमारा 8000 है, इसमें से जस्ट पहले निकालना तो हम माइनस 1 कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बिफोर माने पहले, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 0 में से 1 नहीं जानेंगे, तो आप क्या करेंगे, 8 पे से 1 के लिए इधर ले लेंगे, तो यहां पे 10 हो जाएंगे और यहां आपके 7 रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब इधर से भी 1 के ले लेंगे, आपके पास यहां 9 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब 10 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 1, तो यहाँ पे 9 आ गए,
अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, नाइन है ना, नाइन में से आप जीरो माइनस करेंगे तो आपको नाइन ही प्राप्त होगा। किसी भी डिजिट में से अगर हम जीरो को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेम वही डिजिट बचती है जिसे हम स्टूडेंट माइनस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नाइन है, नाइन में से जीरो माइनस करेंगे तो स्टूडेंट तो भी आपके पास नाइन रहेगा। मान लीजिए आपके पास टेन रुपीज है, आपने किसी को जीरो रुपीज दे दिए, जीरो रुपीज कुछ होते हैं तो आपके पास टेन के टेन रहेंगे ना, या जितने भी आपके पास है उतने ही रहेंगे। तो इसी प्रकार है ये भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे रह गए थे आपके सेवन, यहाँ जीरो माइनस करना, अगर हम सेवन में से जीरो माइनस करेंगे तो इसका मतलब हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, तो सेवन के सेवन ही आपके पास बचेंगे। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 7999। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया आपका। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर बी, थाउजेंड्स कम जस्ट आफ्टर। स्टूडेंट इसमें देखो, इसमें तो डिजिट लास्ट में थी और इसमें डिजिट सबसे पहले आ गई है ना, तो इसमें पूछा गया है कि थाउजेंड्स कम्स, थाउजेंड आता है जस्ट आफ्टर, किसके बाद, जो थाउजेंड है वो किसके बाद आता है। तो स्टूडेंट बताओ आप किसके बाद आता है, तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे जी, थाउजेंड में से वन माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे टेन हो जाएंगे, यहाँ नाइन, यहाँ भी नाइन और यहाँ पे जीरो, क्योंकि एक केरी इधर चला गया था, तो टेन में से वन गए नाइन, और नाइन में से जीरो माइनस करेंगे नाइन, नाइन में से जीरो माइनस करेंगे नाइन, और जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगी स्टूडेंट, और जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 999 के बाद में थाउजेंड आएगा, ठीक है जी, 999 के बाद में थाउजेंड आता है। ओके स्टूडेंट, अब इसी प्रकार सी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे हमने ये ए वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही सी वाला होगा स्टूडेंट, इसमें से आप वन माइनस कर देंगे, देखिए 8900 इसमें से वन माइनस कीजिए आप, तो स्टूडेंट यहाँ पे टेन हो जाएंगे, टेन में से वन गए नाइन, और यहाँ स्टूडेंट नाइन रह जाएंगे, नाइन में से जीरो जाके नाइन रह जाएंगे, स्टूडेंट यहाँ नाइन है, नाइन में से आपने एक के लिए उधर चला गया था, तो यहाँ पे कितने रह गए थे एट, तो एट के एट इधर आ जाएंगे स्टूडेंट, और एट में से जीरो माइनस जाके यहाँ भी कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो होती है ना, तो यहाँ भी एट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा जी 8899। ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन बी वाला, जो बी वाला क्वेश्चन था ना डी वाला, उसी के जैसा होगा बिल्कुल सेम। ओके स्टूडेंट, जैसे ये माइनस किया ऐसे भी हम इसी प्रकार माइनस कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 में से वन माइनस कर दिया 3, अब 3 में से 0 माइनस करे स्टूडेंट 3, अब 2 में से 0 माइनस करा 2, और जी 1 में से 0 माइनस किया 1। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने पूछा था 1244 कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि ये किसके बाद आता है, तो स्टूडेंट ये आएगा 1233 के जस्ट आफ्टर, यानी कि एकदम बाद आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपके जो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप पॉज करने के बाद में जूम करके भी देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई कमी दिखाई देती है आपको तो उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।